बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लिरिक्स के साथ रैपर्स रैप rap करते जाएंगे तो इंडियन सोसाइटी लाइक एज अ सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को हम हम सब तो पागल ही अगर हम अपने आप को नोटिस करें अपना रूटीन हम क्या करते हैं सुबह उठ के तो वी आर नथिंग बट ए मैट मतलब वी आर मैट पीपल बंच ऑफ मैट पीपल लिविंग टुगेदर इन अपार्टमेंट और ये रैपर्स क्या है कि ये बस आपके सामने ला रहे कि देख ये मेरा पागलपन है और हम उस पागलपन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन अ डिनाइल में जी जीरे कि वो तुम्हें नॉर्मल चीज़ नहीं बता रहा है भाई वो बैठ के अपना दिमाग का बी करके तुम्हारे सामने अपना लिरिक्स देख रहा है कि देख भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ और और मेरे हूं पीपल विल नेवर पीपल विल एट मोस्ट एप्रिशिएटेड हेलो माई सेल्फ एनशियस एन आई टू ब्रेक डाउन मै लेटेस्ट सॉन्ग वन जीरो बॉम्बार पीस का जमाना मानसाहारी परसी का बीट को जबाना जंगली डब्लू वाले कुत्ते दोबारा मत पूछना क्या ब्रीड है हमारा सो आई रोट इट फॉर अ कॉम्पिटिशन लाइक वेरी फेमस कॉम्पिशन इन इंडिया फॉर ऑल द रैपर्स इट्स मिनट रैप चैलेंज बाय रोहन करेपा एंड वाज लाइक की हार्ड वेर प्रोटेक्ट की लाइक आई एम हेड लाइक मेरे को ऐसा था कि मेरा फर्स्ट बारी होना चाहिए कि मैं ऐलान कर रहा हूँ कुछ तो मैंने वही वाला बम्बार्ड विद गया पीस का जमाना एंड मानसाहारी पर्सी बीट को चबाना लाइक मानसाहारी लाइक द

खेल ये जानवर का तो मैं प्रोटोशिप आई थिंक इट्स अ वेरी वियर्ड वे ऑफ थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कौन सोचता है आज के टाइम पे तो मेरे को ऐसा ही था कि मेरे को कुछ बहुत अलग सोचना था कि कि ऑस्ट्रक भी नहीं हो जाए ऑडियंस सोचे कि भाई ये क्या बोल रहा है कि खेल है लाइक हम सब बोलते कि जो राब का जो गेम है ये जानवर का गेम है तो मेरा था कि लाइक अगर ये जानवर का खेल है तो आई एम प्रोटोशिफ एंड प्रोटोशिफ एक्चुअली इन हरप्पन सिविलाइजेशन एक सील मिला था हमें उस सील में लिखा हुआ था प्रोटोशिप और ऐसा उसको एसोशिएट किया था शिव जी के अवतार से कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स तो मैंने उस वे में बोला था कि खेल ये जानवर का तो मैं होते क्यों ऑफेंड ये बनते जनजी क्यों बदलते रंग जैसे घुमाए रूबिक्स क्यूब करते ये मुझे एन वी क्यू दे गॉट मोर कलर्स देन एल जी बी टी क्यू और लाइक दिट्स टू मच मॉडर्न थिंग राइट कि अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि लाइक एवरीबडी इज गेटिंग ऑफेंडेड लाइक हर एक छोटी बात पे तो मेरा था कि लाइक यू गॉट मोर कलर्स देन योर फ्लैग एल जी बी क्यू फ्लैग तो ये मेरा सोचने का तरीका है दैट्स ऑल्सो वेड वे ऑफ थिंकिंग एज फॉर मी और ये पूरा स्कीम है ना जिंदगी बायसेक्शुअल एलिजीबिली क्यू ये पूरा रिलेटेड था एक तरीके से एंड क्यूब स्कीम बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कलर करके ये तो मेरा स्कीम था कि लाइक दैट्स वे आई थिंक ये यही मेरा सोचने का तरीका है इलिगल लाइक प्रोसिक्यूशन नेवर वो गॉड द बार्स देखी नहीं प्रोजीक्यूशन प्लस तू चोरी करता राइम्स योर राइम्स आर बोर जस्ट लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन आई नो वेद डिस्टिंगशन की किसको इंसल्टिंग कहते हैं और किसको ऑफेंड होना कहते हैं तो मेरा हमेशा यही था कि लाइक वाई डू वाई डू पीपल इन इंडिया गेट ऑफ एंड कोई समझ भी नहीं आया तो मैंने अगेन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी लाइक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक आई गेस क्योंकि अगर आप कहीं पर खड़े होकर बोल दोगे तो लाइक दिल पुट अंडर द बस बिहाइंड दास मेरे को लगता है कि ऐसा सीन है रापस पर जाइब लिया कि लाइक योर बोर्ड जिस लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन ओ हो बीट चेंज निजी कॉन्टेंट बट आई गॉट नो एल लाइक लेडीज टॉयलेट लाइट बीम लेके आया बन रहा है शेडी कौन है सो अड ऑफ माई टाइम एम सींगेल इज कॉमेट ऑल द बार मैं जो भी लिखता हूँ आई ऑलवेज थिंक की हमेशा वो मीनिंगफुल हो लाइक आई डोंट केयर कि वो कितना वेअ है उसमें डबल ऑन टॉन रहे हैं ट्रिपल ऑनट ऑन रहे आई डोंट केयर कि उसमें क्या है बट जो भी मैं लिखता हूँ आई फील लाइक उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि बंदा अपना इंटलेक्ट यूज़ कर रहा है देर वॉज अ मीम फेमस इंडिया सीन कि हाँ नेी का उसने अपने मेरे को आई आई डोंट रिम्बर द नेम ऑफ द सॉन्ग उसमें अपने बीट पे चेंज कर दिया था बोल के ओहो बीट चेंज और मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं नेजी का जो करियर है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया था तो यह लाइन बोलने के बाद जैसे बोला बट आई गॉट नो एल लाइक लेडीज ऑल इट कि लाइक मैं कंसिस्टेंट हूँ मेरे पे कुछ एल नहीं है तो लाइक पीपल नॉट डिज लाइक एक्ट लाइक स्लिम शेडी देर स्लिम शेडी तो मैं बोला कि मैं लाइट बीम लेके आया क्योंकि अगर आप लाइट बीम लेके आ गए ऐसे साइंस पा तो वो शेडी पोर्शन हट जाता है लाइट बीम लेके आया बन रहा शेडी कौन है सो देटिस्ट नो हिज नेम उसने क्लेम किया था कि टू थाउजेंड सेवेंटीज़ में हम हेलीज कॉमट दिखेंगे सो so, मेरा वो बोलने का मतलब था कि हाँ चल मैं उस, मैं सो अड ऑफ माई टाइम आई एम सींगी हेलीज कॉमेट एंड ऑल्सो हेली इज़ द डॉटर ऑफ एम एन एम और इससे एक लाइन पहले मैं उन्होंने शेडी का मैंशन किया था इनका ग्रुप बस कर था गैंगटॉक जैसे ये कैपिटल सिक्किम की प्यार किया मैं दिया दिल बच्चे क्रिपल डेट तभी ये माइंड अनस्टेबल लाइक मिडल ईस्ट रैपर्स एक्ट इन अ वेरी गैंगस्टर वे बट लाइक वो बस गैंग टॉक करते हैं और वी अनवीनो की गैंग टॉक इज ए कैपिटल ऑफ सिक्किम जैसे ये कैपिटल सिक्किम की आई डोंट थिंक कि इससे मतलब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने हार्ट ब्रेक को किया उससे प्यार दिया दिल बच्चे क्रिपल डेट तभी मेरा माइंड अनस्टेबल जैसे मिडल ईस्ट और वो आज के टाइम पे कोंसीडेंटली बहुत ही सेंस बनाता है ये बार लाइक इंडोनेशियास कैपिटल जकड़ता इन रैपर्स को दिया इनका सासी रोक क्यू वेट कर करने का धमाका इफ आई पुल अप लाइक अमेरिका तू मरा लाइक इराकी फोर्स इसमें लाइक इंडोनेशिया का कैपिटल जकरता है अभी आई थिंक इट्स चेंज चेंज हो गया इंडोनेशिया का कैपिटल और क्यू वेट इज ऑल्सो नेम ड्रॉप ऑन क्यू वेथ कूवेथ इज अ कंट्री अगेन इन द मिडिल ईस्ट रीजन खाऊ रैपर्स एम हंगरी नो बू द बेस्ट माई शेट इज रेल या मैन हैैक कमाने हैं पेस्तीन मुझे डैम सुदान के पड़ोसी के तरह चैड इट वॉज लाइक हम हंगरी नो बुदा लाइक अगेन बूदा इज द कैपिटल ऑफ हंगरी ए कंट्री कमाने हैं पैलेस्तीन लाइक आई वॉन्ट लाइक इट्स की मेरे को तीन मकान चाहिए कमाने हैं पैलेस्तीन मुझे डैम सुदान के पड़ोसी के तरह चैड तो so, सुदान इज अगेन वेटी मच डिस्टर्ब कंट्री और उसका नेबर स्टेट ए चैड एंड ऑल्सो दैड इज अक डबल चैड इज ऑल्सो कंट्री कैन डू दिस इट इजिली रास्ते में आए तो फिर मरे लाइक डी टी सी आई एम द फाइनेस्ट फिनमिनल रियल मैं उठा लाइक फिनिक्स तो गिरा लाइक जी डी पी और हम सबको पता है डी टी सी बहुत ही सेफ चलाती <laughs> है बस इफ़ यू गो टू बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो लाइक जी डी पी दो टाइप का होता है नॉमिनल और रियल जी डी पी अगर हमने अगर किसी के पास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स होगा तो उसको पता होगा इसलिए वर्ड प्ले था आई एम द फाइनेस फिनमिनल फिर नॉमिनल मैं नॉमिनल आ गया फिनल रियल मैं उठा लाइक फिनिक्स तो गिरा लाइक जी डी पी क्या है कॉमन लॉयल्टी और जिस स्पॉट में दोनों ने मिलते आसानी से बने भाई पर एमरजेंसी के टाइम छोड़े साथ जैसे गांधी परिवार है लाइक वी ऑल नो द इन फेमस एमरजेंसी ऑफ इंडिया वेयर लाइक लाइक कांग्रेस इज वेरी डोमिनेंट टिल नाइनटीन सेवेंटीज देकर के उसके बाद से लाइक दैट वॉज अ फर्स्ट ग्रेट सेट बैक फॉर द कांग्रेस ऊँचाई से ना डरा लाइक पा कर महंगी लिखाई पर कलम नहीं पार कर मुसीबत से ना हटा उसे पार कर साथ दिया जिसका छोड़ा रिचर्ड पार कर तो मैं यहाँ पे हर पार्कर का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा लाइक ऊंचाई से ना डरा लाइक पार्कर एंड पार्कर इज़ अ स्पोर्ट एंड लाइक इट्स वेरी मच डोमिनेंट इन द वेस्ट की जहाँ वो अपार्टमेंट के ऊपर जाके लाइक दे डू सम शर्ट क्रेजी शर्ट सो लाइक अगेन दर इज़ अ मैंशन ऑफ लाइफ ऑफ पाए सो इट्स इट्स वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मूवी जिसमें जो टाइगर रहता है उसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर और वो बोत बोट में साथ ट्रैवल करता है उसके पूरे और एट द एंड जब वो बेहोश होता है जो उसका मेन लीड है आई कान रिमेंबर इज नहीं तो वो उसको छोड़ के चल जाता है तो दैट वॉज माई की इस चीज सोचना कि लाइक like, साथ दिया जिसका छोड़ा रहे चट पार कर क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो बोट में ट्रैवल कर रहा था बंदा वो बहुत साथ दे रहा था उसका लाइक वो उसके लिए मीट मीट अरेंज कर रहा था तो काइंड ऑफ ही हेल्प द टाइगर बट लेटर ऑन द टाइगर मतलब वो अपने जंगल चला गया था विच इज़ नॉट रॉन्ग क्योंकि लाइक like, वो अपनी जगह पर गया था लेकिन मैं इसको अपने एंगल से बता रहा हूँ कि ऐसे होते हैं आजकल के लोग मतलब बार्स कॉम्प्लेक्स लाइक क्वान्टम तेरा बेस्ट ट्रैक मुझे लगता नॉर्मल आई एम रेलिवेंट लाइक ब्लैक ड्रेस में phantom, और टू यूजलेस लाइक लेस बी इन सेक्स में क्वान्टम मैं ऐसे ही सोचता हूँ भाई मैं ऐसा ही हूँ कि मैं लाइक माई वे ऑफ थिंकिंग जो मैं और ये और इसके लिए मैंने बहुत वो किया है कि मैं थोड़ा वेट वेट वेड मैं सोचूँ वेट वेट हरकत करूँ तब जाके मेरे मन में ऐसा सा लाइक बार्स कॉम्प्लेक्स लाइक क्वांटम एंड वी ऑल नो लाइक हाउ हार्ड क्वांटम फिजिक्स इज़ राइट सो लाइक अफगानिस्तान क्राइसिस जब हुआ था नाइनटीन में तो एक बहुत ही लाइक like, इसका मैंशन हमारे हिस्ट्री टेक्स बुक में है नहीं लेकिन एक एक फॉन्टम नाम का क्रू था विच वॉज की वो जाके फट जाता था ठीक है और उनका कोड था कि वो ब्लैक ड्रेस में रहेंगे एक्चुअली एज सच आई हैव नो पर्सनल प्रोड्यूसर लाइक जो चैलेंज जो चैलेंज मिला था मेरे को वन मिनट रैप चैलेंज में उसमें लाइक इल पीपल से एक बीट उठानी थी और मेरे को ये बीट काफ़ी डोप लगे इट इज़ प्रोड्यूस बाय उसका टैग लाइन है प्रॉड बाय मयं तो शारो टम लाइक ही इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर मैंने उसका बीट चेक किया हाल ही में ही इज अमेजिंग वो गाना जब बन गया था रेडी हो गया था मिक्स मास्टर हो गया था सो इट वॉज साउंडिंग गुड लेकिन मतलब कि तो वो गाना ऐसे रखा रहेगा एक मेरा दोस्त है लाइक खिजने में स्थड आई मैंने उसको गाना भेजा करके कि और फिर उससे बात की हुई मैंने उसको बस गाना भेज दिया कि भाई तू एडल्स वगैरह का देख ले और मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना क्या ही होगा क्योंकि इट 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 वॉज साउंड टू बी ऑनर्स वेरी हॉलो कि हाँ बस मैं आपने बस बोल रहा हूँ देर वॉज नो वाई इन द ट्रैक और इस बंद लाइक मेरे को कुछ घंटे बाद चार पाँच घंटे बाद डायरेक्ट ट्रैक भेजा और लाइक ही इज़ ही इज अ फ़किंग जीनियस भाई ये बंदा रैपर है ही इज़ अ बीट प्रोड्यूसर ही इज़ अ मिक्स मास्टर इंजीनियर वो करता है और इसने मेरे को हर चीज़ करके जब वो फाइनल गाना भेजा एंड आई वाज फ्लिप्ड कि भाई ये गाना ऐसा भी बन सकता था टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई हैड नो क्लू कि कि मैं रैपर बनूंगा और लाइक like मैं स्टेज पे आऊंगा कि आई इन इनकलाब और जब क्लास 8 में था लाइक द फर्स्ट रैपर आई हर्ड वॉज बस्ता राइम क्योंकि उस समय उसकी काफ़ी लाइक like, उसके जो फ्लोज की वजह से काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था वो यूट्यूब पर और अचानक से एक दिन बजा बस्ता राइम जिसमें वो बहुत ही चॉप ऑफ फ्लो कर रहा है और सुन के उसमें क्रिस ब्राउन भी फीचर आएगा ठीक द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ लुक एट मी ना इफ एम नॉट रॉन्ग एट माइल विच वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग टू मी कि भाई रैप में रैप बैटल्स भी आता है लाइक ऐसे बेजती करते लोगों की तो मेरे को काफ़ी सही लगा कि भाई ये बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है टिल नाउ इट्स गुड बट आई स्टैमर अलॉट वैन आई टॉक मतलब मेरे स्कूल में एक बार मैं क्लास बंद किया था ठीक है वॉलीबॉल -वौल खेलने के लिए किसी टीचर ने बोल दिया कि भाई ये हमारे क्लास में नहीं है तो फिर मैं गया प्रिंसिपल मैम के सामने और आई आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन की जो कि झूठी होता ओबियसली लेकिन और मैं इतना 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 हक़ लाया कि भाई उस मैम ने ही क्रैक कर दिया कि उन्होंने डायरी लेके बोला कि आई राइट इड डाउन ठीक है मेरे को लगा कि क्या है मतलब कि आई गॉट वेरी इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आई लिसन टू करमा लॉट वो बहुत स्टैमर करते हैं मेरे को बाद में पता चला ठीक है स्टैमरिंग की वजह से कहीं पर ना कहीं पे कहीं अब बोलो ना फ्लो पे दिक्कत आता है कहीं ना एक टाइम पे कि आप रेगुलर रेगुलर वर्ड्स नहीं बोल सकते एक मतलब एक के बार एक बार नहीं बोल सकते तो अगर मैं कहीं कही ना कहीं छोड़ता तो ये रीज़न देता कि मैं लाइक मेरे स्टैमरिंग की वजह से मेरे को दिक्कत हो रहा है लेकिन जब मैं कर्मा को सुनता हूँ लाइक आई हैव नो एक्सक्यूजेस ऑन फ्लोज क्योंकि वो बंदा आज के डेट में फ्लोज के लिए जाना आता है और मैं उनको बहुत सुनता हूँ लाइक आई एडमायर है लॉट एक लिंक जुड़ गया है कि ये बंदा करेगा मैं भी करूँगा भाई क्योंकि ये स्टामर करता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये स्टामर करके भी है राज के मार्केट में तो आई ऑल्सो कैन डू इट सो लाइक माई स्टेज नेम इज़ एंशियस और मेरा असली नाम आंश है आंश गुप्ता मैं बचपन से यही सोचता हूँ कि एक क्रिएटिविटी लाइक एक क्रिएटिव आइडिया के पीछे कहीं कही ना कहीं डर होता है डर और नर्वसनेस होता है और आई थिंक उस डर के साथ तुम अपना आर्ट को और अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो तो वही मेरा लाइक नाम के पीछे वही था कि माय नेम इज़ एनशियस व्हेन आई एम एनशियस आई एम एक्चुअली नॉट एनशियस क्योंकि मैं ऐसे करके अपने आर्ट को दिखा सकता हूँ बिना डरे और कहीं ना कहीं वो है भी डर तो इसलिए मेरा नाम एनशियस था आई एम जस्ट थिंकिंग टू रिलीज एन ई और इसमें लाइक आई टॉक अबाउट द मोस्ट फिलोसफिकल साइड ऑफ जिंदगी लाइक इट मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैं चाहता हूँ कि मैं अगर उसमें एक एक तीन चार गाने रहेंगे मोस्टली और मैं बहुत सारी फिलोसफी को पढ़ रहा हूँ ईस्टर्न वेस्टर्न अलग अलग फ़िलासफ़र को कि मैं हर एंगल उस पर लाइक लाइक इट वुड बी वर्थ इट अगर तुम एक एक सेकंड तुम्हारा वर्थित होना चाहिए तो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ मेरा बस एक ही प्लान है कि भाई मैं अपना पेन गेम को कंसिस्टेंट रखूँ लाइक अगर ये खो गया तो आई एम गॉन मेरा यही है कि मैं हर एक गाने के साथ साथ अपना लेवल बढ़ाते जाऊँ दैट्स माई प्लान